कृपया ध्यान दीजिए, दुनिया भर के लोग जहाँ स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, ये आलसी वहाँ पे सिट डाउन कॉमेडी कर रहा है। देसी ट्यूब बाय जयरामपुरा। दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस एंड डज नॉट इंटेंड टू हर्ट एनीवनस फीलिंग्स। लेकिन फिर भी आपकी चलती है तो चलने दीजिए। वैसे भी चुभती जलती गर्मी का मौसम आया। हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड दिस टाइम मैं एक नए कंसेप्ट के साथ आया हूँ। यू मस्ट बी लाइक पोस्टिंग डिफरेंट थिंग्स ऑन सोशल मीडिया, लाइक डिफरेंट पोस्ट, मीम्स, फोटोज, वीडियोज एंड एवरीथिंग। आप शायद ग्रुप पेजेस के मेंबर्स भी होंगे। सो आप लोग देखते होंगे कि लोग बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, लेकिन उस पोस्ट पे जो कमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। लाइक गो टू सम पेज, गो टू सम ग्रुप, या फिर किसी सेलिब्रिटी के पोस्ट पे चले जाइए और देखिए लोगों ने क्या क्या कमेंट, मतलब जितना मज़ेदार पोस्ट होता है उससे ज़्यादा मज़ेदार उसके कमेंट्स होते हैं। सो ऐसी ही एक चीज़ मैं कंपाइल करके ले आया हूँ। दिस पोस्ट इज फ्रॉम अ पुट मी इन टच ग्रुप फ्रॉम फेसबुक। लेट मी टेल यू फर्स्ट पुट मी इन टच ग्रुप कैसे काम करता है। पुट मी इन टच ग्रुप इज अ काइंड ऑफ कम्युनिटी और ग्रुप belongs to that some specific region, कोई शहर हो या कोई स्टेट हो, कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी हो, उसका एक ग्रुप होता है। अब उसमें आप अलग अलग चीज़ें जो है वो पोस्ट कर सकते हो। यू कैन आस्क फॉर एडवाइस, यू कैन आस्क फॉर सजेशंस, और अगर किसी ने मांगा है तो आपके पास जो सजेशन है दे सकते हो। लाइक रेस्टोरेंट के फूड से लेकर रोनाल्डो के फुटबॉल इवेंट तक आप सारी चीज़ें उसके ऊपर पूछ सकते हो, या एडवाइस या सजेशंस मांग सकते हो। किसी को ट्यूशंस के बारे में जानना है, किसी को करंट इवेंट्स के बारे में जानना है, किसी को कोई स्पेसिफिक चीज़ की एडवाइस लेनी है, यू कैन आस्क एवरीथिंग। मतलब इन जनरल जो डेली लाइफ में होती है वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, आप एडवाइस मांग सकते हो, दूसरों ने जो क्वेश्चन पूछे वो देख के शायद आपको कमेंट्स देख के पता चल जाए, आप लोगों को रेफर कर सकते हो। देयर इज़ लॉट मेनी थिंग्स दैट गोस थ्रू पुट मी इन टच ग्रुप। बेसिकली इट क्रिएट्स अ नेटवर्क, योर ओन नेटवर्क विद पीपल लाइक डायरेक्टली। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उन्होंने डायरेक्टली घर को बेचने के लिए घर के फोटोग्राफ्स ग्रुप में डाल दिए होते हैं, लाइक नो ब्रोकर का खर्चा, डायरेक्ट से। इंडिया में 22 मार्च के आसपास लॉकडाउन शुरू हुआ था एंड तब से शायद सारे स्कूल्स वगैरह बंद है, और वो टाइम होता है जब बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं या वैकेशन की पढ़ाई शुरू होती है एंड एवरीथिंग गोज ऑन। सो ऐसे ही उस लॉकडाउन के बाद किसी मदर ने कोई 6 ईयर्स 5-6 साल का बच्चा होगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसकी माँ ने ये क्वेश्चन पूछा है पुट मी इन टच ग्रुप में। वो क्वेश्चन है, डियर पेरेंट्स, वाओ एड्रेसिंग से तो काफी सोफिस्टिकेटेड है। डियर पेरेंट्स, माय सन इज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, हैज एनी स्कूल स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस और एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम स्कूल एडमिन, प्लीज शेयर। ऑनेस्टली क्वेश्चन का स्टार्टिंग पार्ट Has any school started online classes really got me? कितनी perfect grammar है, nothing can be better than this. लेकिन फिर double question mark, and then फिर से double question mark, and then PL share. Please का पूरा spelling भी नहीं, please का short form भी नहीं, PLZ भी नहीं, सीधा PL. Now let's move to the comments. What are the comments? First comment from a user is very decent. जिसमें they said कि जल्दी ही क्लास खुलेंगे या so and so school is going to start online classes soon. मैंने स्कूल का नाम नहीं दिखाया क्योंकि ऐड करने के पैसे नहीं देते ये लोग। एक यूजर बड़ा चलाक है। For online tuitions, inbox me means सीधा marketing. देख रहे हो प्रभु, बस और रेलवे स्टेशन के बाहर जैसे ऑटो वाले आपके आसपास लग जाते हैं, बस वैसे। Another user said a little sensible thing. Please let him enjoy his days. He is in just first standard. He will cover when the school start. लेकिन फिर जो बवाल शुरू हुआ, देखो एक एक कर। One user said, please watch the movie Chichore. Are you in cat and mouse race? कहीं मेरा बेटा पीछे ना रह जाए। Relax as we all are doing. ये पक्का इंजीनियरिंग से तंग आ गया लगता है। But बात में दम तो है। छिछोरे नहीं तो थ्री इडियट्स देख लो, तारे जमीन पे देख लो।
Another user hit it high. Ma'am, he's in first grade only. Teach him by yourself. You don't need any online school or classes. Remember, Albert Einstein's mom gave him primary education at home. मतलब इसने फ्रंट फुट पे आके छक्का मारा है बॉस. ऐसा कमेंट कर दो, ऐसा कुछ ले आओ कि वो लोग मना ही ना कर पाए, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन. And he's gone down the ground. I think it's massive. He has cleared it. That is a phenomenal hit from Dhoni. And one user really lost it. They said, keep screenshot and show this to your child when he get 18. He will answer. Get 18? 18 what? Age? Marks? What? I think it is age. लेकिन अगर 18 marks होते तो imagine ये lady उसको कितना सुना. देख, तेरे लिए Facebook पे जाके दुनिया भर से class के suggestion मांगे थे. 6-6 घंटे offline रह के तुझे सारी वो comfort दी जिससे तू पढ़ सके. और marks क्या है? 18. 18 out of 20. Shame. किसी ने शॉर्ट में निपटाया है, वेरी शॉर्ट. क्वारंटाइन करो इनको यार. Someone took the sarcasm to the next level. Why don't you buy online course of UPSC and JEEE for your kid? You might be feeling too late. Dumb boss. ये एजुकेशन सिस्टम से तंग आए हुए एक और इंसान. और बाय द वे आई डोंट नो इफ इट्स JEEE और JEE. प्लीज लेट मी नो बिकॉज आई एम अपीयरिंग फॉर UPSC. वन लास्ट कमेंट वॉज रादर एन एडवाइस. ओ गॉड, पुअर किड, लेट हिम ब्रीथ. Otherwise, he's gonna follow the wrong path if you impose too much of your expectations on him. Well, yes. True. Mostly everyone bash the one who asked the question, but we need to understand this after lockdown. Do not impose too much on kids. When all this ends, bachcho ke liye ek relaxing atmosphere create karo. Wo bhi humari tarah ghar mein bore ho gaye honge. Help them develop in their best way. Every kid is special and every kid has different talent. गुलाब को गुलाब की तरह और मोगरे को मोगरे की तरह बढ़ने दो, वो खुशबू जरूर देंगे. Till then, have fun, stay home. Please let me know in the comments how was the video and please share to people. तब तक इस क्वारंटाइन का मजा लीजिए, थोड़ा लॉकडाउन का मजा लीजिए, थोड़ा लॉकडाउन का मजा लीजिए.